सब्सक्राइब कीजिए माई हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल फ्री है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका माई हेल्प केयर यूट्यूब चैनल पे। मैं राज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बिना फिंगरप्रिंट का सेंसर का आप कैसे फिंगरप्रिंट अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं? सुन के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अजीब बात ही कर रहा हूँ। ऐसा काम नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए, उन्हें थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। आपका अंगूठे का फिंगर सपोर्ट करेगा, जबकि आपके दोस्त का या फिर किसी और का उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, और वो देखकर चौंक जाएंगे कि कैसे हो रहा है, जबकि आपके मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं दिया हुआ, फिर भी आपका अंगूठा उसे एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि दूसरे का अंगूठा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और बड़ा ही आसानी से आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। दोस्तों, जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं इस चीज़ को, इस पूरी जानकारी को, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये सारा काम कैसे हो पाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर जाइए और जाके एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है परफेक्ट ऐप लॉक। तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप उसे सिंपली ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद अगर कोई पासवर्ड मांगा जाए तो शुरू में इसका जो पासवर्ड होता है ना, 7777, मतलब 4×7 होता है, तो 4×7 ऐसे दबा दीजिए। उसके बाद ये आपका ऐप लॉक ओपन हो जाएगा। ऐप लॉक ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। उसके बाद जैसे मेरा जो फ़ोन है ना, इसमें फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं दिया, मतलब फिंगरप्रिंट नहीं है, फिर भी फिंगरप्रिंट की तरह काम करेगा। मैंने अपने व्हाट्सएप में लॉक लगा कर रखा है। थोड़ा देखिए, मैं उसे ओपन करता हूँ। ये मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया, ये देखिए यहाँ बोल रहा पुट योर फिंगर ऑन द सेंसर। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना एक्सेस डिनाई लिख दिया। लेकिन अगर एक तरीका से अगर यहाँ पर अंगूठा अगर दबाऊँगा तो ये काम कर जाएगा। वो क्या तरीका होगा उसी को आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेस सक्सेसफुल, और आसानी से मेरा ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, कैसे ये सारा काम करना है आपको, उस एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, उसे यहाँ डाल लेना है। डालने के बाद आपको कुछ ज़्यादा इसमें सेटिंग करना नहीं है, थोड़ा सा बस समझने वाली बात ये है। जैसे कि मैं मान लीजिए कि अपना जो कैलकुलेटर है उसमें मैं फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहता हूं, तो आपको यहां पे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, चार नहीं पूरा पांच दिखाई दे रहा है। यहां पे तरह तरह के आइकन बने हुए, सारा लॉक है, लेकिन मैं और को नहीं बताने वाला हूं, यहां पे सिर्फ फिंगरप्रिंट लॉक के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर, यहाँ बगल में जो फिंगर का साइन बना हुआ है, उस पर हल्का सा ऐसे क्लिक किया, उसके बाद ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद आपका बस कैलकुलेटर में ये लॉक लग चुका है। अब चलिए कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, और कैसे फिंगर को यूज़ करना वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर यहाँ पे रहा, जब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है पुट योर फिंगर ऑन द सेंसर। तो कोई भी बंदा है, अगर यहाँ पे जहाँ पे सेंसर जैसा दिख रहा है वहाँ पर अपना अंगूठा ऐसे लगाएगा तो बस लिख देगा यहाँ पर एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं किया। तो कैसे करना, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, पुट योर फिंगर ऑन द सेंसर, जो लिखा हुआ वर्ड है, ध्यान से देखिए, जो लिखा हुआ वर्ड है उस पर आपको 2 सेकंड तक अपना अंगूठा या कोई भी उंगली, जो भी है शरीर का कोई भी अंग, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए वहाँ पे रखना है, और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सेंसर पे थोड़ा देर रखना है। उसके बाद ये अपने आप एक्सेस कर लेगा, और एक्सेस करने के बाद आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर, पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा, डालने के बाद ये खुल जाएगा। तो आपको तो यहाँ समझ में आ रहा है कि आपने यहाँ फिंगरप्रिंट नहीं लगाया, लेकिन कोई और बंदा अगर इस ऐप को खोलेगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। जैसे इस चीज़ को खोलेगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुट योर फिंगर ऑन द सेंसर, कोई भी सोचेगा कि अरे इसमें तो फिंगरप्रिंट लॉक लगा हो, जो कि कभी खुलना मुश्किल है। लेकिन आप, मेरे तो फ़ोन में फिंगरप्रिंट है ही नहीं, फिर भी मैंने लॉक लगा रखा है, लोगों को कन्फ्यूज़ करके इसका मज़ा उठा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करना, और आपको अगर ये एप्लीकेशन अच्छा लगा हो, तो जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और इसको यूज़ कीजिए। और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे था दोस्तों 7777, तो उसको यहाँ से चेंज भी किया जा सकता है। इसे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में। यहाँ पे कुछ आ रहा है तो इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स जो लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लिख रहा है कि चेंज डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो सेटिंग में आप जाइएगा, ओके कर दीजिए, और यहाँ पर आप पासवर्ड, ये देखिए थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्रिएट पासवर्ड बोल रहा है, मतलब आप यहाँ पे नया पासवर्ड बना सकते हैं, कुछ भी, कितना भी खतरनाक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं। तो खैर, पासवर्ड आपकी मर्ज़ी, बनाना है या नहीं बनाना है।
और तो मेरा काम था बस ये बताना कि कैसे आप फिंगरप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बड़ा ही आसानी से अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का यूज़ करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टेक वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर लगातार आते रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस तरह के टेक एप्लीकेशन को लेकर। धन्यवाद।